Hello everyone, welcome to my blog, welcome to my YouTube channel. So today we have another class with Manisha and we will be doing a demo of Hello I, and also I'll be giving her a theory and also a practical class of liquid foundation today. So aaj, before we start with the Hello I, aaj usne face pe makeup complete to nahi kiya hai. Can you close your eyes, Manisha? Thoda sar upar kar, piche ho jao. उसने लाइनर लगाया विद ग्लिटर्स विच इज़ वेरी प्रिटी. सो तुम अगर सिंगल आई शेडो करोगे ना, सिंगल आई शेडो एंड विद दिस लाइनर विद ग्लिटर, इट विल लुक वेरी नाइस एंड यू कैन कैरी दैट इन योर पार्टी वेयर ऑल्सो विद गुड बेस एंड नो अ प्रिटी लिपस्टिक. सो बिफोर वी बिगिन द क्लास, लाइक एज यूजुअल, यू विल क्लीन योर आईज एंड डू द सी टी एम. सो कर लो मनीषा, आई हैव गिव द सी टी एम का सारे प्रोडक्ट्स हियर. एंड दिस इज अ क्विक, सॉरी मनीषा, लुक आई हैव डन टुडे ऑन माय फेस विच इज अ स्मोकी आई, 5 मिनट का स्मोकी आई. मनीषा कर रही है, आईब्रोज बना रही है. बिफोर यू स्टार्ट एनी आई मेकअप, वी स्टार्ट विद आवर आईब्रो. एंड वी हैव डन आईब्रो का क्लास ऑन आवर वेरी फर्स्ट डे ऑफ द क्लास, जहाँ हमने थ्योरी भी पढ़ा था ड्रॉ कर करके, और प्रैक्टिकल में भी वी इम्प्लीमेंटिंग इट. सो शो मी आईब्रो मनीषा, कर सही है, कंप्लीट करो मनीषा. मज़ा आ रही मेकअप सीख के, बहुत इंटरेस्टिंग है ना. तो आगे जाके तुम अपना लुक क्रिएट करते रहोगे, नए नया खुद ही प्रैक्टिस करते रहोगे और मज़ा आएगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक ब्यूटिशियन हो, नेल आर्टिस्ट हो, और तुम्हें ऑलरेडी इंटरेस्ट है आर्ट्स आर्ट्स में, तो तुम बहुत इंजॉय करोगे इस जॉब को. ऑलराइट मनीषा, आर यू रेडी फॉर द हेलो आई? यस. कभी देखा है हेलो आई मेकअप कैसे होता है? नहीं. आज मैं आई बेस यूज़ कर रही हूँ, क्राइडन का आईब्री. तुम थोड़ा पीछे हो ना, ऐसे क्यों हो रहा है? इस हिसाब से बेस देना है, जो तुम आईब्रो का शेप भी सही तरह से इस हिसाब से करते हुए बेस लगाना है. सी पाउडर पैकेट बेस लगाने के बाद, जो पाउडर इसमें हर पैलेट में होता है, एक कॉर्नर में ऐसे तुम्हें जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें भी देखा होगा, वही पाउडर से पहले तो वही करना है, ट्रांजिशन शेड बिल्ड करना है ना, विद लाइटर शेड टू द लिटिल डार्कर टू द डार्कनेस. सो ये हेलो आई भी तुम ब्राइडल में भी यूज़ कर सकते हो, ब्राइड्स को भी दे सकते हो, मेन फंक्शंस में, तुम्हारा एंगेजमेंट में. इट डिपेंड्स ऑन द गारमेंट एंड द ज्वेलरी द पर्सन इज वेयरिंग, यू नो, अकॉर्डिंगली यू गिव द मेकअप. जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना ही क्लीन आई मेकअप दिखेगा तुम्हारा अच्छा, जितना ब्लेंड नहीं करोगे उतना ही तुम्हारा रफ और गंदा मेकअप लगेगा. तो मैं एक ही आई मेक कर रही हूँ, बट तुम्हें जब प्रोफेशनल मेकअप करोगे, जितना यहाँ तक किया ना इस आई में भी, फिर उतना ही करना है, फिर उसी हिसाब से तुम आगे बढ़ते जाओगे. बट अभी मैं एक ही आई में करूँगी,
जहाँ एकाई में खाली छोड़ोगी जब तुम कर पाओगे ना। तो हमने ट्रांजिशन शेप दे दिया। सो हम हेलो आई करेंगे तो मैं बोथ द कॉर्नर को, इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को डार्क करना है थोड़ा। सो बीच में आएगा तुम्हारा हेलो ग्लिटर डालोगे जो भी दोगे तो बीच में आएगा। पहले कंसीलर से कट करना है जो मैं दिखाऊंगी आपको। इस तरह से हमें इनर एंड आउटर कॉर्नर को डार्क करना है थोड़ा। ऑलरेडी हेलो इफेक्ट आ रहा है। मैंने ब्राउन और हल्का सा ब्लैक उठाया, ठीक है, टू मेक इट मोर इंटेंस। बहुत ही कम उठाना है, लुकिंग एट द स्पेस, क्योंकि ऑलरेडी छोटी छोटी जगह है, ज़्यादा भरोगे तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इतना करके रख लिया। देखना क्या बना, बस लाइक ए सेड लास्ट सेम लास्ट क्लास जो हाफ कट क्रीज किया था। ब्रश अपने हिसाब से उठाना है। अगर तुम्हें छोटे ब्रश से कंफर्टेबल हो, ऐसे टाइप के छोटे ब्रश, अगर इस तरह के ब्रश से कंफर्टेबल हो छोटा ना, ऐसे तो ये भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैं शुरू से यही ब्रश यूज़ किया, तो मैं इसी से कंसीलर लिया। नॉट अन लाइक दिस, यू पिक अगेन इन दिस स्पैचुलर पैलेट। तो ऐसे करके तुम अब कट करोगे। कट कहाँ से करोगे, जो आई डी का एरिया है यहाँ पे, ये इस जगह से तुम आई डी मत हिलाना, ठीक है, इतने से सर्कुलर वे में कट करोगे। एकदम प्रिसाइज स्ट्रेट सर्कुलर वे में एकदम लाइन अच्छे से दिखना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए कंसीलर। तो इसको ठीक है, इतना कर लिया। फिर इसको नॉर्मल आइस नॉर्मल सो वंस यू अप्लाई द कंसीलर, उसके बाद इनर एंड आउटर कॉर्नर को और ज़्यादा इंटेंस करेंगे और ज़्यादा डार्क करेंगे इसको कनेक्ट करते हुए। देख रहे हो कैसे इफेक्ट आ रहा है, ऊपर से नीचे थोड़ा हेलो छोटा छोटा होते हुए जा रहा है, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। हमने ब्रश यूज़ किया थोड़ा छोटा ब्रश, गुड। अब इसमें हम पिगमेंट्स डालेंगे पहले, फिर इसके ऊपर से यू कैन गिव द ग्लिटर। सबसे पहले यू कैन पुट आई शैडो टू कवर, जैसे हमने पहले वाइट पाउडर से उसको पैक किया था, ऐसे ही आप कोई ब्राउन शैडो उठा के, लाइट ब्राउन शैडो उठा के उसको पहले पैक कर दो। उसके ऊपर से हम पिगमेंट्स डालेंगे। इस तरह से हेलो तक देगा बीच में, इस
साइड साइड पे कनेक्ट करेंगे ऐसे ही, बीच में अलग से नहीं दिखाएंगे, इट शुड बी कनेक्टेड, पर उसको बीच में हेलो इफेक्ट देना चाहिए, हाँ देखना चाहिए। और इसको और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करेंगे क्योंकि वो अलग से नहीं देखना चाहिए। फिर हम और थोड़ा इसको डार्क करेंगे कनेक्ट करते हुए। जिस तरह से हम यहाँ पे कलर्स लगा रहे हैं, शेडोज लगा रहे हैं साइड में ब्लैक है ना, थोड़ा डार्क और बीच में पिगमेंट्स, उसी हिसाब से अनड्राई भी उसी हिसाब से करना है। सेम चीज़ है नीचे भी, अनड्राई का भी सेम होगा। हर चीज़ सही तरह से ब्लेंड करना है। जहाँ भी तुम्हें लगता है ब्लेंडिंग थोड़ा कम है, ब्लेंडिंग करते रहो करते रहो। आई मेकअप इसलिए टाइम लगता है, नहीं तो क्या कलर रख दो ख़त्म है ना, नहीं इसलिए टाइम लगता है क्योंकि ब्लेंड करते करते उसे में टाइम लगता है। ये ब्रश में मूव कर रही हूँ ऊपर क्रीज लाइन में, क्योंकि मेरे पास ये ब्रश में कलर उसमें प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जो बचा हुआ है उसी को मैं मूव कर रही हूँ, जहाँ तुम्हारा बैक ट्रांजिशन आई मीन द क्रीज लाइन भी इंटेंस होगा। पिगमेंट्स दे दिए, इतने में भी रख सकते हो, अगर चाहते हो तो इसके अंदर थोड़ा सा ग्लिटर भी डाल सकते हो। अगर इफ़ यू वांट टू मेक इट मोर हैवी यू कैन ऐड ग्लिटर आल्सो। क्या चाहते हो, ग्लिटर लगा के दिखाऊँ या इतने में छोड़ूँ? नहीं ना इतने, पर तुम अगर ग्लिटर देना चाहते हो ग्लिटर भी देना है, बट ग्लिटर देने के बाद भी थोड़ा इधर उधर फैलेगा, उसको भी सही तरह से कनेक्ट करना है। हाँ बीच में, बीच में भी देखो किस तरह से आ रहा है, ऐसे नहीं है, थोड़ा सा माथे ऊपर थोड़ा बड़ा है सर्कुलर वे में, और नीचे आते आते थोड़ा सा एजेस यहाँ पे कम हुआ है, बट हमने कहाँ दिया है जितना लीड एरिया है उसी वे में सर्कुलर वे बनाया, फिर हमने इस तरह से नीचे कंसील किया है। सो उसी को हमने साइड साइड में कनेक्ट किया है और बीच में हमने पिगमेंट्स दे दिया और उसको ऐसे रहेगा हेलो आए। Okay. Well, I hope you understood. तो तुम्हारे ब्रशेस बहुत सही तरह से होना चाहिए, ब्लेंडिंग ब्रशेस ना, देखो ये छोटे छोटे कॉर्नर में मैं इतना छोटा सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ, कितना सही इस तरह से ब्लेंड हो रहा है। तो तुम्हारा मेन हथियार है ब्रश, बाकी तो सब मैटर करता है, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा टेक्निक्स, ब्रश भी सही तरह से होना चाहिए। चलो ठीक है, अब आप यहाँ तक करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कैसे लगा ऊपर का? सबसे अलग डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। देख रहे हो मेकअप बहुत तरह अलग अलग बेस तो तुमने सीख लिया, मेन ही अलग अलग सीखना आई मेकअप, और तुम्हारे ऊपर टेक्निक अलग अलग हाथ जहाँ से घुमाओ तुम्हें रिजल्ट सही आना चाहिए। तो सबका अपना अपना टेक्निक होता है। अब ये इसी हेलो आई को जिस तरह से मैंने स्मोकी आई तुम्हें जूम शॉर्टकट में दिखाया उस हिसाब से भी अचीव कर सकते हैं, बट ये है प्रॉपर वे ऑफ डूइंग आई हेलो आई आई मेकअप। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड एंड बिगिन इन द अदर आई। सो दिस इज द हेलो आई दैट वी हैव अचीव्ड, जब मनीषा दूसरे आँख में करेगी। सो चलो मनीषा करके दिखाऊंगी। बस ब्रश तुम खुद ही चुनोगे, अब मैं नहीं बताऊंगी कौन सा ब्रश क्या है, थोड़ा ब्रश लगाने से पहले देख लेना उसको साफ करना। पहले ब्लैक मत लगाओ, पहले तो तुम पहले इससे नहीं करोगे, पहले तो तुम वन आई शेडो तो करोगे ना। पहले मैंने क्या दिखाया था ऊपर तक, तो एक लाइट शेडो से किया था, फिर उसके बाद हमने वो किया था कॉर्नर्स किया था। हाँ
पहले जो भी आई मेकअप करोगे पहले ट्रांजिशन शेप तो बिल्ड करना है पीछे का, है ना, फिर उसके बाद ही तुम उसमें आओगे, चाहे स्मोकी आई हो या तो हाफ कट क्रीज हो, फुल कट क्रीज हो या हेलो आई हो, कुछ भी हो, पहले यू बिल्ड अ ट्रांजिशन शेप। तो डोंट गेट कन्फ्यूज, सबसे पहले तो यही करना है। अभी तो मेरा हेल्प नहीं चाहिए, या तो तुम कर लोगे, है ना। अब नेक्स्ट टाइम से सैलून में जो भी काम आएगा खुद कर लेना मेकअप। एंड दिस इज मी। हाउ डू यू गाइस लाइक माय लुक टुडे? दिस इज 2 मिनट्स ऑफ हेयर स्टाइलिंग एंड 5 मिनट्स ऑफ मेकअप। Yes, madam. How can I help you? Brush, black color. कौन से ब्रश? Black. It's from me. वहाँ पे ये ब्रश सही तरह से रखो, ऐसे फेंकोगे ना फिर ढूंढते रहोगे। Carefully करना मनीषा। You should not go to the lid area जो तुम inner and outer corner को dark कर रहे हो। सो बीच में नहीं जाना चाहिए। ब्रश, बड़ा ब्रश यूज़ मत करो, ये छोटे से ही करना है। जब ये करोगे ना हेलो आई ब्लेंडिंग ब्रश, छोटा वाला से ही ब्लेंड करना है इनर एंड आउटर कॉर्नर। हाउ डिड यू लाइक दिस लुक? वेल, लिक्विड फाउंडेशन वीडियो विल बी कमिंग अप नेक्स्ट, बिकॉज दिस वीडियो इज़ बिकमिंग वेरी लेंथी, सो आई हैड टू स्टॉप इट राइट हियर विथ ओनली द आई मेकअप टुडे। ऑलराइट, ये था हमारा आज का क्लास जहाँ हमने मैंने दिया था हेलो आई का डेमो, और ये रहा कम्प्लीट लुक hello eye with liquid foundation, that's what we have done today। And bahut hi sundar lag raha hai, and I'm sure you'll also like this, and I hope you have learned this look। Please comment on the comment section, agar aapko aur videos chahiye to I can definitely go ahead and create one more look and show you guys, but this is the beautiful eye makeup which you can carry in your big days, बहुत अच्छे functions वगैरह में you can wear this makeup। So and we have used NARS का foundation with hello eye, so I'm hoping you all like the look। Thank you so much। How did you like this look? जो eye shadow है hello eye shadow, hello eye makeup, oh sorry hello eye, HALO, that's how it's spelled। तुम अभी इतना सीख लिया, अब जाके तुम YouTube में भी देखोगे ये अलग अलग आई शेप में किस तरह से करना है ना, किसी का हुडेड आई है, किसी का आई शेप अलग अलग है, तो किस तरह से मेकअप होगा, तो वो तुम्हें और देखना है और रिसर्च भी करना है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे आप? मैं ये बोल रही थी तो ये सबसे अलग है ये हेलो आई मेकअप्स, एंड बहुत अच्छा लुक दे रही है इससे, मुझे बहुत अच्छा लगा वैसे, है ना। एंड आई एम वेरी हैप्पी यू लर्न वेरी क्विकली गाइस। कैन यू क्लोज द आईज अगेन वन मोर टाइम? सॉरी फॉर बीइंग सो। एक आई में मैंने किया है, द अदर आई शी हैव अचीव दिस, एंड शी इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत जल्दी सीख जाती है, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके, यू आर लुकिंग प्रिटी गॉर्जियस। अब इसमें आप लहंगा वहंगा पहन के, पूरा शादी के कपड़े पहन के मंडप में, क्या बोलते इसमें, बैठ सकते हो। बोलो जाके कि शादी के लिए रेडी हूँ, करो। I hope you guys look like the look, and thank you so much for watching my blog. Please do subscribe, like, comment and share. I'll see you all in my next class, in my next blog. Thank you everyone.